ऐसा है कि जो पेंटर के माइंड में है, अगर ये अपनी तमाम पेंटिंग पर नाम लिख देते तो और फर्क पड़ जाता। बेसिकली ये है कि तशने का तशना जो प्यासा के मानी में है, उसके सिंबलिज्म इनके कलर में है। कि कलर कोई ऐसा नहीं जो कि हल्के मूड का हो, कोई पिंक नहीं है, कोई लाइट ऑरेंज नहीं है, कोई लाइट येलो नहीं है, कोई ग्रीन नहीं है, सारे इनके जो कलर हैं वो डार्क हैं बहुत, और बहुत ही ब्लेजिंग कलर है। जो इन्होंने इनका बल्कि जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगती है कि इनको कलर के जो बड़े वाले कलर हैं, जो डीप ऑरेंज है, ऑरेंज रेड है, ब्लू है, ब्लू करते हैं, इससे अच्छा इस्तेमाल मैंने मॉडर्न लोगों में बहुत कम देखा है। और जैसा अभी इनसे कह रहा था मैं कि अगर इसको और बड़े बनाते हो और उसको पेंट उस पर कैनवस पर पेंट करते तो और भी अच्छा इफेक्ट आता। लेकिन बात वही है, जैसे यहाँ देखिए यह है वो ऑयल एंड कैनवस है, अब यहाँ देखिए येलो और ऑरेंज तो रेडिश मिला करके यहाँ पर बिल्कुल एक नई बना दी है चेतना, जिसमें भी रेड मिला हुआ, ब्लैक मिला हुआ, ग्रे मिला हुआ, इनके रंगों में कहीं यू डोंट फील कि ये बड़े हल्के हल्के रंग हैं। जैसे बहुत से लोगों में होता है, जैसे कि बड़े बड़े पेंटरों में, बाल पेंटरों में ये था कि देखिए तो लगता है जैसे कि अरे पानी से इन पर फेरा हुआ, इतना हल्के रंग है कि अच्छे लगते हैं वो। और एक ये कि हैवी रंग होते, इनका जो मॉडल मेरे ख्याल में कोई फैन गॉग की पेंटिंग ज़्यादा है, जो भी किताबें रहते हैं, जो एक बहुत बड़ा पेंटर था। तो इसमें ये सूफिज्म का अंश कहाँ नजर आता है? सूफिज्म तो अब भाई हम तो इस तरह के मानी ढूंढते नहीं, ईमान की बात। इन्होंने दो तीन जगह सरमद और जिक्र भी किया है और अंधे को जिक्र भी किया है, लेकिन मैं इस तरह की है क्योंकि इससे पेंटिंग फिर नैरो हो जाती है। हाँ ठीक है, वो देखने वाले की आँख पर है, उसको अच्छा लगता है, वो मानी निकाल ले उसके। पर ये भी देखिए जितने एब्स्ट्रैक्ट हैं सब सूफी पेंटिंग हो सकते हैं, क्योंकि उनमें कोई फिगर तो है नहीं, कोई आदमी नहीं है, कोई फूल पत्ती नहीं है, तो कुछ माने निकाल लीजिए कि आप इन्होंने लिखा जनरेशन। मैं कहता हूँ ये पीर है, ये मुरीद है, वो भी चलता है बिल्कुल। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बातें हैं जो टेक्निकली इनके यहाँ जो अच्छी बातें हैं, मैं कहा रंग के बारे में कि डार्क और ब्लेजिंग कलर के बहुत ही अच्छे मास्टर हैं। दूसरी बात ये है कि हाथ से बनाते हैं, चाकू से बनाते हैं, ब्रश से बनाते हैं। चाकू भी बड़े मुश्किल से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे बैनगाव वगैरह करते थे, और हाथ से तो मैंने कहीं सुना नहीं। क्यों ये करते थे बड़े बड़े लोग, बहुत से लोग मॉडर्न ज़माने में 50-70 रुपये पहले, कि पेंट बहुत सारा लिक्विड करके गिरा दिया कैनवस पे, बड़े कैनवस पे, जैसे इतना बड़ा हॉल है, फिर उस कैनवस को अपने वो डंडे से और छड़ी से उसको तमाम घुमाया करते थे। तो ये आदमी तो मैंने कलम से ये काम, हाथ से ये काम कर रहा है, ये बिल्कुल एक नई बात मेरे सामने आती है। और तीसरी बात ये है कि इनके यहाँ ये ड्राइंग नहीं बनाते पहले, ये हालांकि होना ही चाहिए कि जो जो मतलब जो उसूली बात है कि भाई ड्राइंग पहले बनाओ, चाहे कितनी एब्स्ट्रैक्ट हो ना हो, ड्राइंग पहले हो उसमें रंग भरो। वही फिर मैंने कहा कि वैन गो कहा करते थे कि आई ड्रॉ इन कलर, मैं उसी को ड्राइंग बना देता हूँ जो मैंने कलर बनाया। तो ये हालांकि अभी मैं इनसे चाहता हूँ कि ये ड्राइंग भी बनाएं, ड्राइंग बनाएं, कुछ स्केच बनाएं, ताकि उसमें ये हो कि इनका जो सेंस ऑफ लाइन है और सामने आए बिल्कुल।
بغیر ڈرائنگ کے لینس یہ سینس سامنے نہیں آتا. اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ ابھی شروع کیا ہے اور بہت تیز کام کرتے ہیں. ہم نے منع بھی کیا کہ تیز کام مت کرو, بڑے بڑے کینوس لاؤ اور دھیرے دھیرے کام کرو. اور یہ بھی ہم نے کہا کہ جیسے اب یہ تو بھائی ان کا پروفیشن تو کچھ اور ہے, جو ٹیلر ماسٹر ہیں ہم ان کو جانتے ہیں 20 برس سے, یہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں, لیکن یہ اب بہت طرح کے دوست ہیں. انہوں نے مجھ سے آیا کہا تو مجھے یقین نہیں آیا, میں کہ یہ آپ کے بنا ہے انہیں کسی اور بنا ہے. بہت میں مبارکباد دیتا ہوں. اور یہ دیکھیں یہ ہمارے دیش کی پرانی پرمپراؤں میں شامل ہیں. ہمارے آج تو خیر لوگ بھول بھال گئے ان چیزوں کو. آپ پرانے لوگوں کی آپ لسٹ دیکھیے شاعروں کی, ان میں کوئی اس میں زرگر ہے, اس میں کوئی سنار ہے, کوئی اس میں لوہار ہے, کوئی اس میں نیچہ بند ہے, کوئی حکا بنانے والا ہے, تو کوئی درزی ہے. تو پروفیشنل لوگ بھی آرٹس کو اپنا ڈومین مانتے ہیں. یہی ہے کہ آرٹ کے ڈومین میں پروفیشن بھی ہے, کہ اگر پوئٹری ہے یا میوزک ہے یا کوئی آرٹ ہے تو اس کے ڈومین میں میرے ہینڈی کرافٹ بھی شامل ہے, کرافٹ بھی شامل ہے. یہ اب نہیں رہے گا. ان کو میں نے پہلی بار دیکھا کہ یہ ایسے آدمی جو انہوں نے اتنا ریٹ شروع کیا, اور ایکچولی یہ تو کرافٹس مین ہے. تو اس کرافٹ سے پھر یہ مگر انہوں نے سمجھا کہ میری دنیا میں آرٹ بھی آ سکتا ہے, وہ یہ لائیں. تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں شاہ صاحب کو, اور میں یہی ان کو ایڈوائس کروں گا کہ 2-3 باتیں پھر دیکھ لیجیے کہ ذرا سا اور محنت کر کے بڑے بڑے کینوس بنائیں, اور رنگ میں جو ان کا جو ایک شاور کلر ہے اسٹرانگ کلر. اب اس میں جیسے کسی کا نام سنم ہے, کسی کا دو جگہ میری طرح سے میم لکھا ہے, اتنا اچھا رتم اس میم کا ہے کہ یاد آتا ہے جیسے کوئی کسی واقعی کسی بڑے ہی فرینزی میں بنایا گیا. تو یہ فرینزی یہ میڈنس اس طرح ان کے یہاں لائن میں ہے, بڑی اچھی چیز. چلے بھائی شکریہ بہت بہت.